इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ड्रग्स क्रूज केस मामले में एनसीबी को झटका लगा है। आर्यन खान के खिलाफ आपराधिक सबूत नहीं मिले हैं, साजिश रचने के सबूत नहीं मिले हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर सामने आ गया है। व्हाट्सएप चैट कोई सबूत नहीं होता है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में लिखा है। साथ ही यह भी कहा है कि जो साजिश रचने के सबूत थे वो नहीं मिले हैं, किसी भी तरह का कोई आपराधिक सबूत नहीं मिला है। एनसीबी बार बार व्हाट्सएप चैट को एक सबूत बना रही थी और ये कह रही थी कि जो पूरा नेक्सस है उसकी साजिश में उससे तार आर्यन खान के जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में साफ दो टूक कह दिया है कि व्हाट्सएप चैट को आप कोई सबूत नहीं मान सकते हैं। हमारे साथ ज्योत्सना गंगने इस वक्त हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है मुंबई से। ज्योत्सना, एक बड़ा झटका एनसीबी को, क्योंकि ना तो आर्यन खान के पास से ड्रग्स की बरामदगी हुई थी, ना ही कंज्यूम करने की कोई बात सामने आई थी, सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट ही वो आधार था जिसके बिना पर वो लगातार उनकी कस्टडी मांग रहे थे, और कोर्ट ने साफ कह दिया ये तो कोई सबूत ही नहीं। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एनसीबी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एनसीबी ने जब ये दावा दाखिल किया था आर्यन खान के खिलाफ, जब चार्जशीट बनाई गई थी, तब एनसीबी का दावा था कि इसमें आर्यन खान साजिशकर्ता भी थे, जो ड्रग्स की जानकारी उनको पहले से थी कि शिप पर जो है वो ड्रग्स है, ऐसी जानकारी पहले से थी, लेकिन ये एनसीबी 25 दिन में प्रूफ नहीं कर पाई। एनसीबी ऐसा कुछ भी सबूत नहीं दे पाई, कोर्ट में नहीं दिखा पाई, जिससे वो एनसीबी कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में आर्यन खान की कस्टडी और दिन तक मांग सके। और मुकुल रोहतगी, उन्होंने जो पॉइंट उठाए थे कि ना ही आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स मिले, ना ही उनके, जब उनका मेडिकल टेस्ट नहीं किया गया और ना ही उनके मेडिकल टेस्ट में ऐसा कुछ मिला, और जबकि वो समय पर करना चाहिए था, और ना ही वो किसी साजिशकर्ता में शामिल थे, तो ऐसे में सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर, अगर व्हाट्सएप चैट का आधार मान भी लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैट का आधार और यह जो शिप पर पार्टी हो रही थी कॉर्डिला शिप पर, उसका और व्हाट्सएप चैट का कोई आपस में संबंध नहीं जोड़ सकते। अगर व्हाट्सएप चैट की जानकारी लेनी है, अगर उसकी इंक्वायरी करनी है, तो ये एक अलग मैटर हो सकता है, और जब शिप पर पार्टी होने वाली थी वो एक अलग मैटर हो सकता है। इसीलिए व्हाट्सएप चैट के आधार पर एनसीबी आर्यन खान को अपने कस्टडी में ज्यादा दिन नहीं रख सकती, और इसी आधार पर आर्यन खान को बेल मिली थी। अब अगली पेशी के लिए आर्यन खान के अगेंस्ट एनसीबी को एक बहुत बड़े सबूत जो है वो देने होंगे। जी, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।